Hello everyone. हेलो एवरीवन, आप सब लोग पूछ रहे थे कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या हुआ है। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने अपना पेट दर्द के बारे में बताया था आप सबको कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से इंस्टा पे एंड अलग अलग जगह बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि शायद मेरी तबीयत को कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ब्लॉग्स नहीं आ रहे, या बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। बट कल मैं ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं आप लोगों को कोई भी अपडेट दूँ कि क्यों नहीं ब्लॉग आ रहे हैं या कुछ भी। मतलब उस जोन में हम लोग थे ही नहीं, हम लोग उस माइंड में नहीं थे कि आप सबको आके बताया जाए। इनफैक्ट अभी भी उस माइंड में नहीं है कि चीज़ें आके यहाँ पर बताई जाए। लेकिन जैसे आप लोग इतने सालों से वीडियोस हमारे देखते हो, तो हमारे फैमिली मेम्बर में एक एक इंसान से आप लोग भी इमोशनली अटैच हैं। जैसे हम लोग हैं, आप लोग एक एक इंसान के बारे में देखना चाहते हो और उसके बारे में जानना चाहते हो। क्योंकि मेरा ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे लोग सिर्फ मुझे देखना के लिए मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं। सबके मतलब मेरे फैमिली में एक एक मेंबर को सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं, सबको देखना चाहते हैं। एंड कहते हैं ना, जब आपके ऊपर जब दुखों का पहाड़ टूटता है ना, तो इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, और हर तरफ से आपको ऐसे कमज़ोर कर देता है ना, ऐसे जकड़ लेता है कि उस सिचुएशन में आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या भगवान क्यों ऐसे दुख की घड़ी में एक साथ डाल रहे हैं। जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, तब एक्चुअली हमारे घर में मैं सोच रही थी कि नॉर्मल एक फ़ोटो लगा के और आप सबको बता दूँ, लेकिन मेरे को ना वो जो सारी फ़ोटोज़ हैं, सारी वीडियोज़ हैं जो अब तक हमारे पास हैं और शायद अब आगे कोई ऐसी फ़ोटोज़ नहीं हो पाएंगी, कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं हो पाएंगी, कुछ भी नहीं हो पाएंगी, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। मेरी जो नानी जी है, मेरी जो नानी सास थी, पिछले कुछ टाइम से आप सबको पता है कि वो गिर गई थी और उनके फ्रैक्चर हो गया था, उनकी कल डेथ हो गई। इसलिए अब कोई ब्लॉग नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और उनकी एज हो गई थी, ऐसा नहीं है कि उनकी एज नहीं हुई थी, उनकी एज हो गई थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना मोह माया, या वो हम लोग नहीं उनसे छोड़ पा रहे थे। सबसे ज़्यादा तो इस टाइम पे मेरी जो सासू माँ है, उनकी कंडीशन ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कितना भी उम्र हो जाए माँ माँ रहती है, और माँ की जगह शायद कोई भी नहीं ले सकता, पापा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो मम्मी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बार बार दांत लग जा रहा था उनको, बेहोश हो जा रही थी। कल सुबह हम लोग निकल, कल मतलब उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन वो फ्रैक्चर की वजह से, वो पता नहीं, भगवान कहते हैं ना कि भगवान अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं, और मतलब ये नहीं होता है कि भगवान ये कहे कि, मतलब कुछ ना कुछ भगवान बहाने देते हैं और फिर कुछ हो जाता है। तो कल मतलब कल नॉर्मल उनको डेली लेके जाते थे हम लोग, सैटरडे उनकी जो पट्टियाँ वगैरह है वो सब कुछ चेंज होती थी, तो कल भी वैसे ही लेके जा रहे थे मम्मी, और मेरे मायके से मेरी मम्मी थी, अंशु और मेरे एक मौसा जी थे। और रास्ते में ही अभी वो लोग निकल गए थे, हम लोग कहीं और के लिए निकल गए थे, रास्ते में मम्मी का फ़ोन आया, मेरी मम्मी का, कि जहाँ भी जा रहे हो वहाँ मत जाओ, वहाँ से वापस आ जाओ। तो हम लोग फिर हमें डाउट हो गया था कि नानी जी को कुछ हो गया, नानी जी नहीं रही, फिर हमने फ़ोन वोन किया इधर उधर। तो फिर उसके बाद, और सच में वहाँ पे मम्मी वगैरह सब बता रहे थे कि उनका मतलब गाड़ी में ही वॉमिटिंग वगैरह हुई नानी जी की, और नानी जी की धड़कन सांस में सब रुक गई। वहाँ पे मम्मी सब ने सबको फ़ोन किया, और वहाँ पे एक दो लोग थे, उन लोगों से सब देखा, तो सब ने बोला कि नहीं रही नानी जी, नहीं रही। हम लोग को भी फ़ोन वोन आ गया था, तो हम लोग फिर वापस वहाँ पर जा रहे थे। एकदम से जब नानी जी को घर लेके आ रहे थे ना वापस, उनके एकदम से सांसें चलने लग गए, और उसके बाद वो घर पे आई हैं और हम सबसे मिली है, हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया है,
सबको जितने लोग उनके चहेते थे बहुत, आपने हमेशा हमारे ब्लॉग्स में नानी जी को देखा है कि वो मतलब एक इंसान, कहते हैं ना कि इंसान जब चला जाता है तो कुछ भी नहीं लेके जाता है, उसका सिर्फ उसने कैसा व्यवहार बनाया है, कैसे लोगों के साथ किया है, उसके साथ वही जाता है। उसके बाद फिर ना नानी जी घर पे आ गई और फिर हमने पंडित जी को बुलाया। हमारे यहाँ ना गौदान कराया जाता है, दान पुण्य कराया जाता है। फिर हमने पंडित जी को बुलाया, जितने लोग थे सबको बुलाया, सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। सब लोग, कोई ऐसा नहीं था जो नहीं बचा और जो नानी जी से नहीं मिला, सब लोग आए। पंडित जी ने सारे विधि विधान से सारा पूजा पाठ कराया। उसके बाद नानी जी ने हम सबके सामने सबके हाथ से पानी पिया और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। और कल शाम को उसके बाद हमने जो भी उनका जो भी सबका जो भी था वो सब कुछ हमने यहीं दिल्ली से किया सारी चीज़ें। बाकी हमारा सब कुछ गांव में है तो सब लोग आज शायद गांव के लिए निकल जाएंगे। और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी नानी जी का, एक मेमोरी के तौर पे कि वो ज़िंदगी भर यूट्यूब में पड़ा रहे, यूट्यूब में रहे और कभी भी उनकी याद आए तो हम सब लोग वो देखें। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमने लास्ट ईयर उनका ना 100 साल का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उनके 7 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। इतना बड़ा उनका परिवार था, हमने सबको इकट्ठा किया था और सबने मिलके उनके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वैसे उनकी उम्र हो गई थी, कष्ट में भी थी, अच्छा है कि उनके प्राण निकल गए, लेकिन एक मोह होता है ना कि वो हम लोगों को मतलब कल से लेके अभी तक सिर्फ उनकी बातें दिमाग में घूम रही है। क्योंकि जब वो यहाँ पर आती थी ना तो कई बार ऐसा हुआ है ना कि हो जाता है ना घर में थोड़ा बहुत, तो वो ना खाना प्लेट में लेके और मेरे रूम में जाती थी, सुमित को बोलती थी कि खा लो बाबू आई खा लो, ना किसी आई जला ना वो कल जला, और हम लोग को वो करती थी सबको। मैं नहीं कहूँगी किसी के प्रति उनके मन में कभी कोई कुछ नहीं था, सबको इतना प्यार करती थी। और मेरे रूम में जाएंगी, कभी मेरे चद्दर को उठाएंगी, बोलेंगे ऐनी कि हाई तरह नहीं हर के, हाँ मतलब मेरे मायके का है, कभी कुछ पूछेंगे कभी। और अभी 2-3 बार से ऐसा हो रहा था ना, जब वो यहाँ आती थी तो मैं कुछ ना कुछ घर पे मेरे मायके में ऐसा पड़ता था कि मैं वहाँ चली जाती थी, तो वो रोज़ बोलती थी, तब वो हमेशा बोलती थी अब मैं नहीं आऊँगी, जब हम मामी नहीं भाग जाती। बहुत बहुत अच्छी लेडी थी। और मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरी इतना उनसे अटैचमेंट हो गया है ना कि कल से अब तक एक एक चीज़ उनकी से दिमाग में घूम रही है। जिस तरीके से वो आशीर्वाद देती थी ऐसे कर कर के, और मतलब अगर चले जाओ तो खड़ी हो जाएंगे एक पैर पे, पानी पी लो, खाना खा लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो सब चीज़ें एक बहुत उनकी ऐसे रहती है ना कि याद रहेगी ज़िंदगी भर। ज़िंदगी एक बार, अब वो हमें कभी दिखेंगी नहीं, अब हम उनके साथ कभी बात नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे घटिया चीज़ है मौत, और इससे गंदी चीज़ कुछ भी नहीं होती। और मैंने कल पहली बार किसी को ऐसे नहीं देखा था कभी, कल पहली बार मैंने उनको अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के जाते हुए देखा। और हम सब बैठ के देख रहे थे, हमारे किसी की वो नहीं थी कि हम उनको रोक लें कि नहीं नानी जी मत जाइए, सब आराम से देख रहे थे, कोई उनको रोक नहीं सकता था। यही एक चीज़ है, हमने क्या कमाया, क्या कुछ भी नहीं जाता है साथ, एक टुक कपड़ा जाता है सिर्फ, और हम हाय 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 करते रहते हैं कि ये वो। सो गाइज, बस मुझे आप लोगों को यही अपडेट देना था। अभी एक आध दिन और मेरे ब्लॉग्स नहीं आएंगे या कब तक देखते हैं, क्योंकि अभी मेरा कोई भी मूड नहीं है कुछ भी शूट करने का। उस जून से भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि नानी जी सबसे ज़्यादा तो जो मम्मी को देख के दुख हो रहा है ना, इतना तड़प रही थी मम्मी, मौसी जी, लोग जो जहाँ है। हमारे लिए तो फिर भी एक हुआ कि हम नानी जी को सामने से देख रहे थे, मुझे तो उन सब मौसी जी के लिए और इतना वो हो रहा था कि वो तो देख भी नहीं पा रही थी, सब वीडियो कॉल करके देख रहे थे और ऐसे दहाड़ दहाड़ के सब रो रहे थे ना कि बस उनको देख के एकदम कलेजा फट जा रहा था। जो जहाँ है सबने अपना शरीर छोड़ दिया है, मम्मी तो मतलब कहते हैं ना माँ बाप से मायका होता है, ये सारी चीज़ें कहने, वैसे तो आजकल वो हमारे मामा मामी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें निभाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है। जैसे मेरे नाना जी ख़त्म हुए थे ना
तो तब से मेरी मम्मी कहती है कि एक वो होता ही नहीं है, मतलब एक होता है जैसे हम भी अपने घर जाते हैं ना, मैं अपने घर जाती हूँ तो सब लोग होते हैं, बट एक सबसे पहले आवाज़ आता है मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम, सबसे पहले हमारे मुँह से ये निकलता है कि मम्मी कहाँ है। तो वो चीज़ तो एक होती है, मायके में जाते ही सबसे पहले इंसान अपनी माँ को ढूंढता है कि माँ मेरी कहाँ है। मैं एक बार सिर्फ गई हूँ जब मेरी मम्मी शादी के बाद गाँव थी, और मुझे ऐसा लग रहा सब लोग थे, पूरा घर परिवार भरा हुआ था, लेकिन एक वो खालीपन, और मुझे वही लग रहा है कि अब मम्मी जाएंगी तो जाते ही, और जाते ही सबसे पहले इंसान ही, और वहाँ पे जाते ही तो मतलब कंटिन्यू जब भी हम लोग अपने घर जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा, सिर्फ माँ 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 दिखती है कि माँ कहाँ है माँ कहाँ है, घर पूरा भरा परिवार रहेगा बट फिर भी ऐसा होता है कि माँ कहाँ है। नानी जी की एज हो गई थी, लेकिन एक वो होता है ना, उनका हमारे प्रति जो मोह था, हमारा उनके प्रति जो मोह था, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था, कि ऐसे लगता था कि नहीं, हम प्रे भी करते थे कि हम कि उनकी अच्छे से प्राण निकल जाए अच्छे से वो, लेकिन जब कल वो हमारे बीच कल से नहीं है तो उनकी एक एक चीज़ अंदर ही अंदर एकदम खा रही है कि क्या हो गया अचानक से, कैसे हो गया। हमें तो कल भी जब मतलब देख के विश्वास ही नहीं हो रहा था, और ये सुमित तो मतलब एकदम जैसे होता है ना बच्चों की तरह वो हो जाना, क्योंकि एक तो जैसे होता है ना बाबा दादी का थोड़ा सा प्यार मिलता है तो बच्चे थोड़े से वो होते हैं, और इनका बाबा तो शुरू से मतलब मेरे जो ससुर बाबा ससुर है वो नहीं थे शुरू से ही मेरे पापा के टाइम, और जो दादी थी उनसे भी कम ही लाड प्यार मिला, इतना ज़्यादा नहीं मिला है। तो वो नानी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, हमारे पूरे उस पे ससुराल साइड में एक बुज़ुर्ग में नानी ही थी, अब कोई बुज़ुर्ग नहीं बचा है, मतलब मेरे मायके साइड मेरे दादा बाबा हैं बट यहाँ पे एक नानी जी ही थी, उसके अलावा कोई भी नहीं है। किसी भी उसमें एक बुज़ुर्ग होते हैं ना तो एक अलग ही आशीर्वाद, अलग ही अच्छा फील होता है कि चलो, बट नानी जी के भी बहुत सारे सपने थे जो अधूरे रह गए, वो पूरे नहीं हो पाए, 3-4 सपने उनके ऐसे थे जो जिसके लिए वो रोज़ रट लगाती थी, रोज़ ही मुझे ये देखना है देखना है देखना है, बट नहीं हो पाया, उससे पहले वो चली गई। मैंने बस आप लोग भी मेरी यूट्यूब पे सारी मेरी फैमिली हो, मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, बस थोड़ा सा इस मुश्किल घड़ी में आप लोग साथ दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब कुछ रिकवर होते ही जल्दी से मैं वापस आऊँगी, अपना डेली जो भी है सबको शेयर करूँगी, बट थोड़ा सा समय दीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। फ़िलहाल इस टाइम हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है घर परिवार को मेरे देखना, सास को संभालना, मेरे पति को संभालना, मामा मामी जी सबको संभालना, क्योंकि सब लोग एक साथ अगर इतना ज़्यादा वो हो जाएंगे तो फिर सब लोग बिखर जाएगा, सब लोग बहुत इस टाइम पे परेशान हैं, स्पेशली मम्मी, और तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ संभाल लूँ, उसके बाद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस लौट के आऊँगी। आप सब बस प्यार और आशीर्वाद दीजिए। ये मेरी नानी जी, इनका आखिरी समय, ये कुछ यादें हैं जो मैं यूट्यूब पे ज़िंदगी भर के लिए सेव करना चाहती हूँ और आप सबको दिखाना भी चाहती हूँ। यहाँ पे नानी जी अभी हम सब से बात कर रही थी, हम सब इनको पास बैठे हुए थे, हम सबको आशीर्वाद दे रही थी, हमने पंडित जी से जो हमारे यहाँ विधि होती है ये सब कराया, जो जैसे सबके यहाँ अलग होता है। ये वो पल है जब आज से 1 साल पहले हमने नानी जी के लिए उनका 100 साल का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उनके जितने बेटे बेटी सबको इकट्ठा करने की कोशिश की थी, और कितनी अलग थी आज से 1 साल पहले मेरी नानी जी, और अचानक से कैसे हो गई पता भी नहीं चला, समय कब कहाँ कैसे लाके खड़ा कर दे। हमने माता की चौकी रखी थी नानी जी के लिए, और फिर रात में हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट की कटिंग करके किया था, ये लास्ट ईयर फरवरी का है, महाशिवरात्रि वाले दिन नानी जी का जन्मदिन आता है, तो हमने महाशिवरात्रि वाले दिन नानी जी का जन्मदिन मनाया था 18 तारीख को शायद,
और बहुत अच्छे से सब लोग बहुत खुश थे। और अब ये सिर्फ एक याद बन के रह गई है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी और ज़िंदगी भर यूट्यूब पे रहेगी। जब मर्जी हम अपनी नानी जी को याद खोल के देख सकते हैं। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत कभी कभी अच्छा लगता है कि हमारे पास एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक ऐसा ये ज़रिया है जिससे कि हम अपनी मेमोरी को भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जो आज शायद ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती तो ये सब क्लिप मेरे पास नहीं होता, लेकिन सब कुछ है हमारे पास हमारे फ्यूचर के लिए। हम जब मर्जी तब नानी जी का ये पल, ये सेलिब्रेशन देखेंगे और याद रहेगा सब कुछ। सब लोग देखो कितने खुश हैं। आज से एक साल पहले का ये सेलिब्रेशन है, जो जहाँ था सब लोग आ गए थे इस सेलिब्रेशन में नानी जी का साथ देने के लिए, जो जहाँ जैसे सब लोग पहुँच गए थे। अगले साल तक नहीं जिएंगी क्या लगता है आपको? बाबू इस सीरियसनेस दिख रही है वीडियो में कैप्चर हो रहा, अभी नहीं जाएंगी ये लोग। कोई कि नहीं मैं बाबू ये को होखो। हाँ बाबू दी वो लीमू से बोल दी बुंदी तो आते रहने तू आ रहा है अरे यार भगवान बुढ़ापा।